हेलो एवरीवन, अगेन आई वेलकम यू ऑल इन स्टडी पॉइंट. स्टूडेंट्स, इन दिस टेस्ट मॉड्यूल वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 1 to 7. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो ऑल ऑफ यू वॉच वेरी अटेंटिवली एंड ज्वाइन योर क्लास टिल द एंड. हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू ऑल इन SST क्लास. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डू रिविजन ऑफ चैप्टर 1 to 7 on the basis of multiple choice questions. So student, get ready for this revision test. So in इस chapter में students हम लोग discuss करेंगे जो भी हमने topics cover किए थे chapter 1 to 7 almost. तो सारे इसके multiple choice के question के basis पे यहाँ पे revision करेंगे भी, और फिर इसका मैं test model भी आपको share कर दूँगा जिससे आप test देके अपने progress को check कर सकते हैं. तो students start करते हैं आज का session. This is Anuj Kumar Verma, and again I welcome you all in a study point. So first of all, you should write your name. I'm going to write my name and then click on start. Start पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ऑल ऑफ यू अटेंड अटेंटिवली. ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंपल्सरी हैं, इसको आपको अटेंड भी करना है. कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमारा क्या है, अगर बात करें तो कैपिटल कैपिटल ऑफ दमन एंड दीव, दमन और दीव की कैपिटल कौन सी है. तो दमन एंड दीव की कैपिटल दमन है बेसिकली. दमन पे क्लिक कर देंगे एंड देन सबमिट करेंगे. हमारा करेक्ट आंसर क्या है, दमन है. कंटिन्यू करेंगे फिर. सेकंड क्वेश्चन, इट लाइज टू द साउथ ऑफ द इंडिया. इंडिया के सदर्न एरिया में कौन सा स्टेट है. तो बेसिकली श्रीलंका है. ऑलरेडी क्लिक है श्रीलंका पर, सबमिट करेंगे. श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर. नाउ द लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड इज कॉल्ड. तो थ्री साइड से एरिया कवर्ड होता है उस लैंड को हम पेनिनसुला बोलते हैं. कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज आल्सो कॉल्ड द. जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, अगर इंडियन डेजर्ट की बात करें तो क्या है, थार डेजर्ट है. ऑलरेडी क्लिक्ड है उस पर. कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट है द हिमालया मीन्स. हिमालयन मीन्स क्या है, हिमालयन रीजन को क्या बोला गया है. अबाउट ऑफ वाटर, अबाउट ऑफ स्नो, अबाउट ऑफ सॉइल. तो हिमालय जो है थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है, कवर्ड रहता है विद द हेल्प ऑफ स्नो. सो दैट्स वाई इट इज नोन एज अबाउट ऑफ स्नो. नाउ अगेन क्लिक ऑन कंटिन्यू. नेक्स्ट शिमला इज द कैपिटल ऑफ. शिमला किसकी कैपिटल है, गोवा की, असम की या फिर हिमाचल प्रदेश की. तो स्टूडेंट, जो शिमला है वो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है बेसिकली. कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है. नाउ आवर नेक्स्ट इज, इट इज़ फेमस हिल स्टेशन इन द मिडिल हिमालयन रेंज. फेमस हिल स्टेशन है मिडिल हिमालयन रेंज में बेसिकली. तो स्टूडेंट, मनाली है, ऊटी है या फिर मुन्नार है. तो बेसिकली जो मिडिल हिमालयन रेंज में हमारा मनाली है. सबमिट करेंगे एंड क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे. स्टूडेंट, इस टेस्ट मॉडल में ऑलमोस्ट 28 क्वेश्चंस हैं. 28 क्वेश्चंस को आपको वेल प्रिपेयर करना है. द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज आर कॉल्ड द. बांगर, खादर और तराई. तो बेसिकली जो फुट हिल्स हैं हिमालयन रीजन के, बेसिकली उनको हम तराई बोलते हैं, तराई रीजन्स बोलते हैं. सबमिट करेंगे. कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम इज फेमस फॉर इट्स प्लांटेशन. ऑर्चिड्स के लिए फेमस है, रबर के लिए फेमस है या फिर रोज के लिए बेसिकली फेमस है. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था, तो रबर और रोज के लिए फेमस नहीं है बेसिकली. ऑर्चिड जो ट्रीज हैं उनके लिए फेमस है. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. द ग्रेटर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज. जो ग्रेटर हिमालय है उसे क्या बोलते हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक.
तो ग्रेटर हिमालय हमारा क्या है, हिमाद्री है बेसिकली, मिडिल हिमालयाज हिमाचल एंड लोअर इज नोन एज शिवालिक। तो फर्स्ट हमारा क्या है, हिमाद्री होगा। सबमिट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचते हैं। अ ट्रिब्यूटरी इज, ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं, लॉन्गर रिवर्स को, स्मॉलर रिवर्स को या फिर ड्रायड्स को। बेसिकली जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हें स्मॉल रिवर्स को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। सबमिट करने के बाद कंटिन्यू करना है। द कैपिटल ऑफ असम, असम की कैपिटल क्या है, पटना है, दिसपुर है या फिर चंडीगढ़ है। तो पटना, बिहार की पटना, चंडीगढ़ भी नहीं होगी, देन क्या होगी हमारी, असम की दिसपुर होगी। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के इधर। नेक्स्ट है द सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज नोन एज, एलुवियल सॉइल, खादर और तराई। तो बेसिकली जो सॉइल है वहाँ की एलुवियल सॉइल है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो एलुवियल सॉइल हमारा करेक्ट आंसर होगा। सबमिट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। द भाखड़ा नागल डैम इज बिल्ट ऑन, रिवर महानदी, रिवर सतलज और रिवर गंगा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया है कि जो भाखड़ा नागल डैम है वो सतलज रिवर पर बना हुआ है, ना कि गंगा और महानदी के ऊपर। तो सतलज रिवर हमारा करेक्ट आंसर है। सबमिट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 15th होगा। स्टूडेंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। द इंदिरा गांधी कैनाल इज यूज फॉर इरीग्रेशन, इंदिरा गांधी कैनाल है उसका यूज़ कहाँ किया गया है, इरीग्रेशन के पर्पज़ के लिए। बेसिकली इरीग्रेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इंदिरा गांधी कैनाल का बेसिकली इन द डेजर्ट रीजन यूज़ होता है, फिर माउंटेंस पर यूज़ होता है, फिर प्लेन्स पर यूज़ होता है। बेसिकली इंदिरा गांधी कैनाल का यूज़ हम डेजर्ट रीजन में करते हैं, जो कि राजस्थान एरिया से लेके जैसलमेर तक को कवर करता है बेसिकली इंदिरा गांधी कैनाल। सबमिट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्टर्न डेजर्ट इज कवर्ड विद सैंड ड्यून्स एंड सैंड, जो वेस्टर्न डेजर्ट्स हैं वो सैंड ड्यून्स के थ्रू, सैंड ड्यून्स यानी कि जो रेत के पहाड़ होते हैं जो कब इकट्ठे हो जाते हैं, जो तेज हवाओं के चलने से क्या होता है, रेत का एक जगह इकट्ठा हो जाना सैंड ड्यून्स कहलाता है बेसिकली। तो ये क्या है, हिल्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं या फिर माउंट्स होते हैं। बेसिकली दीज आर हिल्स विच इज मेड अप ऑफ सैंड, सो दैट्स वाई इट इज नोन एज सैंड ड्यून्स। सैंड के बने होते हैं इसीलिए इन्हें रेत के पहाड़ बोला जाता है, सैंड ड्यून्स बोला जाता है। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फेमस डांस फॉर्म्स इन राजस्थान, फेमस डांसेस बेसिकली क्या हैं, घूमर एंड कालबेलिया, कथक, भरतनाट्यम। बेसिकली स्टूडेंट, हम लोगों ने राजस्थान के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे देखा था कथक एंड भरतनाट्यम है वो नहीं है, घूमर और कालबेलियाज हैं, स्नेक चार्मर्स से रिलेटेड हैं बेसिकली। सबमिट करेंगे, सेम इसी प्रोसेस से स्टूडेंट्स आपको अपना टेस्ट अटैम्प्ट करना है, जो टेस्ट में लिंक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओवरऑल आपको ये पूरा वेल प्रिपेयर करके इसी तरीके से फॉर्मेशन के थ्रू आपको टेस्ट देना है। कोई डाउट हो तो आप मुझे लाइव चैट से पूछ सकते हैं, अगर अभी कोई डाउट है आपको तो फटाफट से मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनी डाउट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू सेंड योर क्वेश्चन, इफ नो डाउट देन देर इज नो प्रॉब्लम, देन वी शुड मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो इज, प्लेटो क्या है, कॉनिकल हील है, फ्लैट टॉप है या फिर वैली है। तो बेसिकली प्लेटो क्या होते हैं, एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लैट होते हैं ऑलमोस्ट, तो कॉनिकल हील तो होते नहीं है, वैली भी नहीं होते हैं, तो फ्लैट टॉप हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सबमिट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 18th कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 19th की तरफ बढ़ेंगे। बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, बेतला नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में है या फिर झारखंड में है। स्टूडेंट फटाफट से मुझे आंसर सेंड करिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
बिरला नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में है या फिर झारखंड में है? झारखंड में है बेसिकली। राइट आंसर्स सबमिट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा इज अ टाइप ऑफ ट्रैवल, क्या है बेसिकली कर्मा? फूड है, ड्रेस है, डांस है? स्टूडेंट्स मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में सेंड करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, आंसर सेंड करिए फिर आगे बढ़ें। बेसिकली फूड तो नहीं होगा, फूड भी नहीं होगा, ड्रेस भी नहीं होगा, इट्स अ डांस। सो वी क्लिक ऑन डांस एंड सबमिट आवर क्वेश्चन। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू। लुगदा इज अ ड्रेस ऑफ, लुगदा कहाँ की ड्रेस है? कर्नाटका की है, आंध्र प्रदेश की है, हैदराबाद की है, फिर मध्य प्रदेश की है? बेसिकली बताइए स्टूडेंट कहाँ की है लुगदा ड्रेस, कहाँ की है? कर्नाटका की है, आंध्र प्रदेश की या फिर मध्य प्रदेश की? लाइव चैट में फटाफट से आंसर सेंड करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश होगा। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू। द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल क्या होगी? पटना, पोर्ट ब्लेयर और कावारत्ती? स्टूडेंट सेंड करिए आंसर्स। पटना होगा, पोर्ट ब्लेयर होगा या फिर कावारत्ती होगा? स्टूडेंट हमारा करेक्ट आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़ेंगे सबमिट करने के बाद। क्वेश्चन नंबर हमारा 23rd होगा, 23rd। इट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल एवरी ईयर, मीन्स यहाँ पे हर साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो गोवा में होती है, दिल्ली में या फिर मेघालय में? बेसिकली दिल्ली और गोवा उन रीजन्स में नहीं आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो। मेघालय है जहाँ पे हर साल, हर वर्ष बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इट रिसीव्स, हो चुका है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है? सीजन होता है, वेदर होता है या फिर क्लाइमेट होता है? स्टूडेंट्स आंसर सेंड करिए, उसके बाद आगे बढ़ें। सीजन्स होते हैं, वेदर होते हैं या फिर क्लाइमेट होते हैं? आंसर सेंड, फटाफट से सेंड करिए आंसर्स। स्टूडेंट्स अगर बात करें कि सीजन्स तो मंथ के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, बट वेदर क्या है? डे बाय डे चेंज होता है। शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, अगर मॉर्निंग में कुछ और है तो दोपहर में कुछ और हो सकता है, शाम के टाइम कुछ और हो सकता है, तो इट्स डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, राइट? सो क्लाइमेट तो हो 100 ईयर, 200 ईयर लॉन्ग पीरियड के लिए बेसिकली, तुम्हारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वेदर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हॉट एंड ड्राई विंड कार, गर्म और सूखी हवाओं को क्या बोलते हैं जो कि बेसिकली ज़्यादातर गर्मियों में चलती हैं, जून के ड्यूरेशन में, जून एंड जुलाई के ड्यूरेशन में, या फिर मई एंड जून बोल सकते हैं? स्नो बोलते हैं, लू बोलते हैं, रेन बोलते हैं बेसिकली? तो गर्म हवाएं जो गर्मियों में चलती हैं उनको हम लू बोलते हैं, जिसमें हम अपने को काफ़ी कुछ बचाना पड़ता है गर्मी, गर्म हवाओं से, बिकॉज उस टाइम बीमार होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वेदर अफेक्ट्स आवर, वेदर क्या करता है? हमारी डे बाई डे एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, यस्टरडे को अफेक्ट करता है, फिर टुमारो? बेसिकली जो वेदर है वो हमारी डे बाई डे की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। सपोज आप अभी मॉर्निंग में अगर आप स्कूल जाना चाहते थे या फिर मॉर्निंग में कुछ आप काम करना चाहते थे, उस ड्यूरेशन में क्या होगा कि आप बारिश होने लगी तो उस केस में क्या होगा, आपका थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है और आपकी डे बाई डे एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नाउ 27th क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज, स्टूडेंट सेंड करिए आंसर्स। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है बेसिकली?
कावारती है, पटना है, गोवा है। पटना बिहार की पटना है, गोवा कवरती। सेंड करिए स्टूडेंट्स आंसर, उसके बाद आगे बढ़ें। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, कवरती क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, रेस्ट हमारे इस चीज़ के नहीं है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है द नॉर्म्स ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट आर बंजारास, जम्पा, झरोखा। बेसिकली जो बंजाराज हैं वो क्या हैं, नॉर्म्स पीपल हैं जो वेस्टर्न डेजर्ट के रीजन में रहते हैं। स्टूडेंट्स 28 क्वेश्चंस हमारे अटैम्प्ट हो चुके हैं, इस तरीके से स्क्रीन आपको शो होगा, आप यहां से देख सकते हैं 28 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए हैं और उसके बाद आप फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद आपको टोटल ओवरऑल आपने कितना टाइम अटैम्प्ट किया है, किस ड्यूरेशन में आपने टेस्ट दिया, वो सारा चीज़ें आपको शो करेगा। इस तरीके से रिमार्क आएगा आपको एंड स्कोर के साथ साथ आप क्या देख सकते हैं, आपको रिमार्क भी शो करेगा। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, कैपिटल ऑफ दमन एंड दीव, दमन है। इट लाइज टू द सदर्न ऑफ द इंडिया, तो श्रीलंका है। थर्ड है हमारा, लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन द थ्री साइड ऑफ इस कॉर्ड एन एंड पेनिनसुला। फोर्थ है हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द डेजर्ट थार डेजर्ट। हिमालयाज मीन्स अबॉड ऑफ स्नो। शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट इज़ फेमस हिल स्टेशन इन द मिडल हिमालयन रेंज इज मनाली। द फूड हिल्स ऑफ द हिमालयाज आर कॉल्ड द तराई। क्वेश्चन नंबर 9th है हमारा, सिक्किम इज फेमस फॉर इट्स प्लांटेशन कॉल्ड ऑर्चिड्स। द ग्रेटर हिमालय ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। A tributary is a smaller river. The capital of Assam is Dispur. And the 13th question is, the soil of the northern plains is known as alluvial soil. Bhakra Nagal Dam is built on river Satluj. The Indira Gandhi Canal is used for irrigation in the desert region. The western desert is covered with sand dunes and sand arkad hills, which is made up of sand basically. नेक्स्ट इज द फेमस डांस फॉर्म इन राजस्थान इज घूमर एंड कालबेलियास। द प्लेटो इज अ फ्लैट टॉप सेम एज लाइक अ टेबल लाइक अ स्ट्रक्चर। बेटला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द झारखंड रीजन। कर्मा इज अ टाइप ऑफ ट्राइबल डांस। लुगदा इज अ ड्रेस ऑफ मध्य प्रदेश। द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज पोर्ट ब्लेयर। इट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल एवरी ईयर इज नोन एज मेघालय। इट इज़ द स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ नोन एज वेदर। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू। वेदर अफेक्ट्स आवर एक्टिविटी डे बाई डे। डे बाई डे हमारी जो एक्टिविटी है उसको अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप इज कवरती। द नॉर्म्स ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट इज बंजारा। स्टूडेंट ये आपका पूरा फुल सेशन रहा, ये आप उसको देख सकते हैं और अपने मार्क्स को भी डिनोट कर सकते हैं। बेसिकली आज के सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, रेस्ट हम लोग अनदर सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।